आखिर बात क्या है शाइनी? साशा इतनी गुस्से में क्यों दिख रही है? दादाजी, जैकी और इसकी लड़ाई हो गई है। लड़ाई? किस लिए? उसी से पूछो। ठीक है, बताओ मुझे साशा। दादाजी, वो अपने स्केट्स गलत पहन रही थी, वो गिर सकती थी। मैंने उसे सही तरीका बताया, उसने मुझसे लड़ाई कर ली। ओ, मैं समझ गया। क्या तुम कहानी सुनना चाहोगी? बोलो। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक फार्म में हेनरी नाम का सुअर रहता था। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी उड़ने की। मुझे जरूर उड़ना है, मैं क्यों नहीं उड़ सकता? अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो मैं भी ये कर सकता हूँ। पक्षी उड़ते हैं क्योंकि उनके पास पंख है, लेकिन आदमी भी तो उड़ते हैं और उनके पास पंख भी नहीं है। तो अगर आदमी नकली पंख लगा सकता है तो मैं क्यों नहीं? हाँ, मैं खुद के लिए पंख बनाऊंगा और मैं जानता हूँ कि किस चीज से अपने पंख बना सकता हूँ। तो उसी दिन से हेनरी ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया पक्षियों के पंख। अगर कोई भी पक्षी अपना पंख गिराता, वो उसे तुरंत उठाता। जल्दी ही उसके पास काफी पंख हो गए। इतने सारे पंखों से काम हो जाएगा। अब मैं अपने प्लान का अगला हिस्सा शुरू करता हूँ। ये हेनरी कर क्या रहा है? हेनरी, तुम क्या कर रहे हो? ओ, ये मेरा महान आविष्कार है। मैं अब उड़ने वाला हूँ। उड़ना? क्या तुम पागल हो? क्या सुअर उड़ सकते हैं? सुनो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। कल सुबह पहाड़ पर आ जाना। तुम मारे जाओगे बेवकूफ, सुअर उड़ नहीं सकते हैं। भागो यहाँ से चूहे कहीं के, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। और अब दोस्तों, तुम सब एक कमाल की चीज देखोगे। हेनरी, हेनरी, ये मत करो, तुम मारे जाओगे बेवकूफ। हेनरी, रुक जाओ, रुक जाओ, मत करो। जाओ यहाँ से चूहे, मुझे मत रोको। मैं रोकूंगा, मैं अभी किसान को बुलाता हूँ। सच में? चलो, छुटकारा मिला। और अब मैं उड़ने वाला हूँ। देखो, मैं उड़ रहा हूँ। ओ नहीं, ओ नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा? ये क्या हो गया? देखा, ये चूहे की गलती नहीं थी, लेकिन उसे एक बेवकूफ की वजह से जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। जी दादाजी। कभी भी अपना समय एक बेवकूफ के साथ मत बिताओ। अगर वो तुम्हारी सलाह नहीं लेना चाहते तो उन्हें उनके मन की करने दो। और अब चलो दोनों भागो यहाँ से। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हम मूवी देखने जा रहे हैं। लगता है हम जल्दी आ गए हैं, पिछला शो तो अभी खत्म हुआ ही नहीं है। पापा, हमें पॉपकॉर्न दिलाइए ना। हाँ, कैरेमल पॉपकॉर्न। ओके, तुम दोनों यहाँ इन सीट्स पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। ये रहा तुम्हारे लिए शाइनी, और ये रहा तुम्हारे लिए साशा। ओ नहीं, मेरे पॉपकॉर्न। रो मत, तुम शाइनी के साथ शेयर कर लो। वैसे भी मैंने बड़ा पैक खरीदा है, तुम अपनी बहन के साथ शेयर करोगे, है ना? पापा, आप उसे दूसरा ला दीजिए ना। ओह अच्छा, तो तुम शेयर करना नहीं चाहते, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक घने जंगल में दो सुअर भाई रहते थे, पिगू और पिगी। वो एक दूसरे के पड़ोस में ही रहा करते थे। हम दो हैं प्यारे पिग, हम दो हैं प्यारे पिग, हम रहते हैं साथ साथ, हम रहते हैं हमेशा खुश। पर सब कुछ वहाँ ठीक नहीं था। पिगू अमीर था और उसका घर बड़ा था।
पिगी गरीब था और उसका घर छोटा था। एक शाम की बात है, बाहर बहुत ठंड थी। पिगू के पास कोट था और पिगी के पास नहीं। पिगी कांपने लगा था। तुम इतना कांप क्यों रहे हो पिगी? मुझे ठंड लग रही है पिगू, क्या तुम अपना कोट शेयर करोगे मुझसे? ये बहुत ही बेवकूफाना आइडिया है, किसी ने आज तक कोट शेयरिंग के बारे में सुना है? चलो हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। उस रात एक भयानक तूफान उस जंगल में आया। वहाँ बहुत बारिश हुई, सब कुछ भीग गया। पिगी को उस दिन ठंड की वजह से बुखार हो गया था। वो बिस्तर पर ही रहा। लेकिन पिगू पर भी एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। उसका घर खूबसूरत तो था लेकिन मजबूत नहीं। वो लकड़ी और शीशे का बना हुआ था और वो तेज बारिश में टूटने लगा। मेरा प्यारा सा घर। मैं जानता हूँ मैं पिगी के घर चला जाऊँगा, वो मेरी मदद करेगा। पिगी पिगी प्लीज दरवाजा खोलो। पिगी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? पिगी पिगी क्या हुआ पिगू? पिगी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा घर टूट गया है। ओ नहीं, अंदर आ जाओ, इतनी भारी बारिश में मत खड़े रहो, तुम भीग जाओगे और बीमार हो जाओगे। तुम कितने अच्छे हो पिगी, मैंने तो बल्कि तुम्हारे साथ कोट भी शेयर नहीं किया था और तुम अपना घर शेयर कर रहे हो। चलो अंदर आ जाओ, कल जब तूफान रुक जाएगा तुम्हारा नया घर बनाएंगे। भाई तो इसीलिए होते है ना। और इस तरह से पिगू ने शेयरिंग की इम्पोर्टेंस सीखी कि बांटने से प्यार बढ़ता है। ये लो, मेरे पॉपकॉर्न में से ले लो साशा। बहुत अच्छे, अब चलो अंदर चलते हैं और मूवी देखते हैं। तुम्हें साशा? माँ मुझे पता है, साशा ने कल आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम? तुमने वो क्यों खाई साशा? तुम्हें खांसी थी ना, किसने दी तुम्हें? वो पीटर की मम्मी ने। ओह, पर तुम्हें नहीं खानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा एक आइसक्रीम कोन से कुछ नहीं होता। तो तुमने उनकी बात मान ली और भूल गई मैंने क्या कहा था? माँ माँ गुस्सा मत करना। अरे नहीं नहीं बेटा, चलो अंदर आओ और कुछ गर्म कपड़े पहन लो। आ जाओ यहाँ बैठो, अभी अभी तुमने दवाई खाई है, अब तुम्हें ठीक लगेगा। इस दौरान क्या तुम्हारा कहानी सुनने का मन है? ये कहानी सुनेंगे। एक बार एक अमीर लड़के के घर में सुनहरी मछली थी। उसने उस मछली को छोटे से कांच के बॉल में रखा हुआ था। वो उस मछली का बहुत ध्यान रखता था। वो उसे खिलाता, उसका टैंक हमेशा साफ रखता और उसे बहुत प्यार भी करता। फिर भी मछली हमेशा दुखी रहती थी। मुझे ये जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, इस बाउल में हमेशा फंसी रहती हूँ। मुझे उस लड़के से नफरत है, वो समझता है मैं उसकी गुलाम हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम्हें छोटे से बोल में रहना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मैं समझ गई और मैं बोर हो गई हूँ। क्या वो लड़का तुम्हें अच्छे से नहीं रखता? नहीं, लेकिन मैं उसके गुलाम नहीं हूँ, उसे क्या लगता है? मैं समझ सकता हूँ, बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है, मैं जहाँ मर्जी जा सकता हूँ। मैं पार्क में डांस कर सकता हूँ, तालाब में तैर सकता हूँ, मुझे अपनी आज़ादी बहुत पसंद है। सुनो तुम मुझे जलाओ मत। नहीं मेरी बात सुनो, तुम भी आजाद हो सकती हो अगर तुम चाहो तो। मेरे साथ चलना पसंद करोगी? क्या मैं साथ आ सकती हूँ, लेकिन कैसे? ओह ये तो बहुत आसान है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलने का वादा करना पड़ेगा। ठीक है मैं साथ चलूँगी।
बहुत बढ़िया। अब जब अगली बार लड़का तुम्हारा टैंक क्लीन करने आए तो। आज रविवार है, आज मैं तुम्हारे घर की अच्छे से सफाई करूंगा गोल्डी। अहा, तुमने कर दिखाया। चलो अब चलें, मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा। लेकिन लेकिन मुझे पानी चाहिए, जिंदा नहीं रह सकती पानी के बिना। उप्स, मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। लेकिन तभी लड़के ने गोल्डी को खिड़की से देख लिया और उसने गोल्डी को लाकर वापस पानी में डाल दिया। नहीं तो। हाँ माँ, अब मैं समझ गई। कभी कभी लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन गलत सलाह दे देते हैं। पर हमें खुद समझना चाहिए हमारे लिए क्या सही है और वही करना चाहिए। कितनी अच्छी कहानी थी माँ। हाँ बिल्कुल। अब तुम थोड़ा आराम करो, बाद में मिलती हूँ। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।